नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मित्रों, आपको बता दूं कि राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरएस का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड, रीट, हाईकोर्ट, पटवार, कॉन्स्टेबल, जो भी वैकेंसी हो, उन सभी के एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों, आप वीडियो को कंप्लीट देखना जिससे आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा। पहले पार्ट के अंदर हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो भी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। तो मित्रों, हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को कम्प्लीट देखिए। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो मित्रों, सभी का आंसर आ गया होगा और यहाँ पर सही आंसर है 28 मई 1857। यहाँ पर मित्रों, राजस्थान के अंदर नसीराबाद छावनी है, वहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था, ठीक है। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना, ये बात आपको ध्यान में रखना। और इसका साथ दिया था 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने, यह भी एग्जाम में आ सकता है। बढ़ता हूँ आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले आपको बता दूँ मित्रों, 31 मई 1857, ये 1857 की क्रांति है, उसकी नीचे तिथि थी, यानी इस दिन अपन को विद्रोह करना है। लेकिन ये पहले स्टार्ट हो गई थी, मैं आगे बताऊंगा कब हुई थी, क्या हुई थी, किस क्या रीजन था। यहाँ अपन क्वेश्चन के बारे में बात कर ले, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, ठीक है। तो 31 मई 1857, आपको ये बता दूँ, इंग्लैंड के अंदर इस तिथि को निश्चित किया था, जिसका नाम था अजीमुल्ला खान और रंगोजी बापू जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसके नेतृत्व में नसीराबाद विद्रोह प्रारंभ हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बख्तावर सिंह, यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीमच क्रांति के समय तात्कालीन अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, प्रिचार्ड, कर्नल एबॉट, सॉवर्स और फ्यूक में से कोई नहीं। और यहाँ पे जो सही आंसर है कर्नल एबॉट नीमच क्रांति के समय वहाँ का तात्कालीन अंग्रेज अधिकारी था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से ये कथन किसका था कि जब अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, ये कथन किसका था, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, हीरा सिंह, अर्जुन सिंह, मोहम्मद अली बेग और इनमें से कोई नहीं। मित्रों, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है मोहम्मद अली बेग। मित्रों, आपको बता दूँ, अंग्रेजों ने कहा था कि अंग्रेज शासन है उसके अंदर भारतीयों का विलय नहीं किया जाएगा, लेकिन इन्होंने अपनी शपथ का उल्लंघन किया था और अवध है राज्य उसका विलय किया था कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य के अंदर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। और इस समय यहाँ के शासक थे वाजिद अली शाह, जिनकी बेगम का नाम था हजरत महल, ठीक है, आप सभी को पता होगा बेगम हजरत महल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 10 जून 1857 को टोंक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 10 जून 1857 को टोंक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं मित्रों, टोंक के अंदर देवली एक छावनी है, वहाँ पे 5 जून को विद्रोह हो गया था, लेकिन संपूर्ण टोंक के अंदर ही 10 जून तक फैल गया था, ठीक है। तो मित्रों, आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे सही आंसर है नासिर मोहम्मद के नेतृत्व के अंदर टोंक के अंदर विद्रोह हुआ था और इसकी सहायता की थी अमीर अली ने और तांत्या तोपे ने भी सहायता की थी, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तांत्या तोपा ऐसा व्यक्ति था जिसने राजस्थान के
टोंक रियासत में सर्वाधिक हस्तक्षेप किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 के क्रांति के दौरान ऐसी कौन सी दो सैनिक छावनियाँ थी जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इसमें से बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे सही आंसर है ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा तो ऐसी सैनिक छावनियाँ हैं जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तांतिया टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तांतिया टोपे का वास्तविक नाम क्या था, चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, रामाराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, हरिचंद्र पांडुरंग और रामचंद्र पांडुरंग। और यहाँ पे जो सही आंसर है मित्रों, रामचंद्र पांडुरंग। तांत्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ये एक तरफ रियासत दी हुई है, दूसरी तरफ तत्कालिक जो तात्कालिक शासक थे वो दिए हुए, और इसमें से बताना है कि कौन सा असुमेलित है यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। अलवर रियासत, अलवर रियासत के शासक थे बनो सिंह, 100% राइट है। कोटा रियासत के शासक थे राम सिंह सेकंड, ये भी सही है। जयपुर रियासत के शासक थे रंजीत सिंह, ये सरासर गलत है। ठीक है, यहाँ के शासक कौन थे, राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड यहाँ के शासक थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बीकानेर के सरदार सिंह यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एरिनपुरा सैनिक छावनी का नेतृत्व करता कौन था। एरिनपुरा सैनिक छावनी का नेतृत्व करता कौन था, चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, शीतल प्रसाद, मोती खा, तिलक राम, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर है मित्रों, उपयुक्त सभी। मित्रों नाम में आपको लगता है कि ये विद्रोह कैसे, लेकिन मित्रों इन्होंने नेतृत्व किया एरिनपुरा छावनी का, और पैट्रिक लॉरेंस जो राजस्थान का AGG था उसके पुत्र का नाम था अलेक्जेंडर, क्या नाम था, अलेक्जेंडर, इसकी इन्होंने हत्या कर दी थी, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, छलो दिली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था। छलो दिली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, विलियम बेंटिंक, अलेक्जेंडर, शिवनाथ सिंह, लॉरेंस। तो मित्रों यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना था, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर है वो है शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह यहाँ पे छलो दिली मारो फिरंगी का नारा दिया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्रोह अहुआ विद्रोह के समय मारवाड़ का तात्कालिक शासक कौन था। अहुआ विद्रोह के समय मारवाड़ का तात्कालिक शासक कौन था, तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, खुशाल सिंह, उनार सिंह, तखत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है मित्रों, तखत सिंह। मारवाड़ का शासक आपको ध्यान रखना है कौन था, तखत सिंह। तखत सिंह और खुशाल सिंह के बीच में मनमुटाव था, और ये था रेक। रेक मित्रों एक कर होता है, ठीक है, जो जागीरी भूमि होती है उससे वसूल किया जाता है। इसलिए इन दोनों के बीच में, खुशाल सिंह और तखत सिंह के बीच में क्या था, विवाद था, मनमुटाव था, और मैन इसी की वजह से युद्ध हुआ था। कौन सा वो मैं आगे बताऊँगा, भिथोड़ा का, चेलावास का। अगले क्वेश्चन में की ओर मुँह बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्रांतिकारियों ने किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर अवा के किले पर लटका दिया था। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, रॉबर्ट्स, मैकमोसन, अलेक्जेंडर और सॉबर्स। और यहाँ पे जो सही आंसर है वो है मैकमोसन, मैकमोसन। ठीक है, और अभी वर्तमान में अवा किले का उद्घाटन, जो अवा किले एक संग्रहालय बन रहा है वहाँ पे, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जिसका नाम था वसुंधरा राजे, वहाँ पे उद्घाटन किया है, जो पाली जिले के अंदर है। ठीक है, बहुत ही शानदार संग्रहालय बन रहा है। और अवा के अंदर आपको बता दिया मित्रों, अवा के अंदर ये इसको मैकमोसन का सिर काट दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भिथोड़ा युद्ध 8 सितंबर 1857 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उनार सिंह, खुशाल सिंह, हितकोड और मैकमोसन। उनार सिंह, खुशाल सिंह, हितकोड और मैकमोसन। और यहाँ पे जो सही आंसर है मित्रों वो है हितकोड। हितकोड ने भिथोड़ा युद्ध में 8 सितंबर 1857 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया था। मित्रों आपको बता दूँ, यहाँ पे खुशाल सिंह बसेज जोधपुर की राजकीय सेना प्लस अंग्रेज सेना
के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें राजकीय सेना का नेतृत्व किया था उनार सिंह ने और अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया था किसने, हितकोट ने। ये बात आपको ध्यान रखना। और इसके अंदर कुशाल सिंह विजय हुए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलावास का युद्ध कब हुआ था, जिसे गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है। चलावास का युद्ध कब हुआ था, जिसे गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है। तो मित्रों ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को, यानी भिथोड़ा युद्ध से 10 दिन बाद, ठीक है, यानी उसके 10 दिन कुछ समय बाद ही, 10 दिन बाद ये युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। और मित्रों इसी के अंदर जो मैकमोहन ने आपको बताया, जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था वो मारा गया था, ठीक है। और ये भी हुआ था मित्रों, अंग्रेज प्लस जोधपुर की राजकीय सेना बसेज किसके बीच में, कुशाल सिंह के बीच में, और इसके अंदर भी कुशाल सिंह की विजय हुई थी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1857 की ईस्वी की क्रांति की लोक देवी किसे कहा जाता है। मित्रों चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताने की सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे सुगाली माता सही आंसर होगा, क्या होगा, सुगाली माता। इस देवी के जो मूर्ति थी, धातु की मूर्ति थी, उसके 10 सिर और 54 हाथ थे, कितने, 10 सिर 54 हाथ। मित्रों ये वर्तमान के अंदर पाली के बंगा जो क्या है, बांगड़ संग्रहालय, पाली का बांगड़ संग्रहालय वहाँ पे सुरक्षित रखी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोटा रियासत में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। कोटा रियासत में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। तो मित्रों मैराव खा, राम सिंह सेकंड, जयदयाल व स दोनों। तो यहाँ पे जो सही आंसर है मित्रों, मैराव खा और जयदयाल, मैराव खा और जयदयाल, ठीक है, ये दोनों कोटा रियासत के रिसालदार थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंग्रेजों ने किसे GCI की उपाधि देकर सम्मानित किया था। अंग्रेजों ने किसे GCI की उपाधि देकर सम्मानित किया था, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, हरबख्शपाल सिंह, मदनपाल सिंह, स्वरूप सिंह और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है मदनपाल सिंह। मित्रों कोटा के शासक थे जिसका नाम था राम सिंह सेकंड, और इनको क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था, किले के अंदर बंद कर दिया था, उसके बाद 6 महीने तक इनको कैद में रखा था, ठीक है। तो मदनपाल सिंह ने और होम्स ने मिलकर राम सिंह सेकंड को, ठीक है, मुक्त कराया था रॉबर्ट्स ने। तो मित्रों ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर राम सिंह सेकंड को मुक्त कराया था। उसके बाद मदनपाल सिंह की जो 13 तोपों की सलामी थी उसको बढ़ाकर 17 कर दिया और राम सिंह सेकंड को 17 तोपों की सलामी दी जाती थी उसको घटाकर 13 कर दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखा है सैनिक छावनी या रियासत और विद्रोह की तिथि लिखी हुई है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी सुमेलित नहीं है। तो मित्रों एरिनपुरा, यहाँ पे 21 अगस्त 1857 को क्रांति हुई थी, ये भी सही है। धौलपुर रियासत के अंदर 27 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी, ये भी सही है। कोटा के अंदर 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी, ये भी सही है। नीमच के अंदर ये गलत है, 3 जून को क्रांति हुई थी, 3 जून 1857 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जहाँ पर क्रांति को प्रारंभ करने वाले और दमन करने वाले दोनों बाहर के थे। राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जहाँ पर क्रांति को प्रारंभ करने वाले और दमन करने वाले दोनों बाहर के थे। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, झालावाड़, कोटा, धौलपुर और इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे जो सही आंसर है वो है धौलपुर। धौलपुर के अंदर क्रांति का नेतृत्व किया था गुजर देवा, ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया था क्रांति का। और यहाँ पे जो शासक थे भगवंत सिंह, क्या नाम था, भगवंत सिंह, ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, मंगल पांडे, तात्या टोपे, अमरचंद बांठिया और रामतनु पांडे। और यहाँ पे जो सही आंसर है वो है मित्रों अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया
को राजस्थान 1857 की क्रांति का वामासा कहा जाता है। इन्होंने मित्रों लक्ष्मीबाई इत्यादि तौर पर इन सभी की हेल्प की थी, ठीक है। इनको मित्रों राजस्थान का प्रथम शहीद भी कहते हैं, राजस्थान का प्रथम शहीद। मित्रों इनको ग्वालियर के सराफा बाजार के अंदर फांसी दी गई थी, ठीक है, ये बात बता दूँ आपको। इनको मित्रों राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे, क्योंकि मंगल पांडे 1857 की क्रांति के अंदर शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। और राजस्थान के अंदर जो पहला शहीद कौन था, अमरचंद बाठिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1857 की क्रांति के समय तांदे तोपे दूसरी बार राजस्थान कब आए थे, दूसरी बार राजस्थान कब आए थे, तो आप बताना है कि सही आंसर कौन सा है। 8 अगस्त 1857, 11 दिसंबर 1857, 9 अगस्त 1857 और 11 नवंबर 1857। और यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 11 दिसंबर 1857। पहली बार आए थे 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा मार्ग से, और मित्रों 9 अगस्त 1857 को इन कुवाड़ा का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर ये अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था होम्स से पराजित हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में सही कथन डूंगरजी ज्वार जी के संदर्भ में नहीं है। ये मूलत सीकर क्षेत्र के बटोट पाटोला के निवासी थे, ये मित्रों ये 100% सही है। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने 1847 ईस्वी में निमच सैनिक सावनी को लूटा था, इसको देखते हैं आगे। डूंगरजी ज्वार जी को 1857 क्रांति के समय गरीबों के लोक देवता कहा जाता है, मित्रों ये भी सही है। ये दोनों सेकाप्टी रेजिमेंट में रिसालदार के पद पर कार्यरत थे, ये भी सही है। तो मित्रों यहाँ पे जो असत्य हुआ वो कौन सा है, सेकंड वाला। मित्रों इन्होंने निमच क्रांति को नहीं, नसीराबाद क्रांति को लूटा था, और 24,000 रुपये यहाँ से उठा लिए थे। मित्रों इस समय 24,000 बहुत ज़्यादा होते थे, नसीराबाद जैसी बड़ी छावनी के अंदर 24,000 रुपये ही थे। तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने कितनी बड़ी राशि को लूटी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसके राजा और प्रजा दोनों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो मित्रों यहाँ पे जो सही आंसर आपको पता होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, झालावाड़, बूंदी, जैसलमेर और जयपुर। तो यहाँ पे जयपुर सही है मित्रों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा कौन सा साहित्यकार था जिसने युद्ध में हाथी पर बैठकर क्रांतिकारियों का ऊषा वर्धन किया करता था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, कन्हैयालाल सेठिया, जय सिंह पथिक, सूर्यमल मिश्रण, विजयदान देथा। तो मित्रों यहाँ पे जो सही आंसर है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ये मित्रों बूंदी के राम सिंह सेकंड के दरबारी साहित्यकार थे, और इन्होंने वंश भास्कर, वीर सरसई जैसे बड़ी बड़ी जो साहित्य हैं वो लिखे थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंग्रेजों की सहायता के लिए निम्न में से किसे टीबी परगने के 41 गांव भेंट में दिए थे। तो अंग्रेजों ने मित्रों इनको 41 गांव भेंट में दिए थे, ये कौन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रणजीत सिंह, सरदार सिंह, राम सिंह सेकंड, और इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे जो सही आंसर है सरदार सिंह, बीकानेर के महाराजा थे सरदार सिंह। मित्रों ये राजस्थान से बाहर भी अंग्रेजों की सहायता हेतु बाहर गए थे, मतलब राजस्थान से बाहर गए थे क्रांति का दमन करने के लिए, और इस कारण से इनको अंग्रेजों ने टीबी परगने के 41 गांव भेंट में दिए थे। टीबी कहाँ पे, ये मित्रों हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी तबीयत मेरी लूज है इस कारण से थोड़ी प्रॉब्लम होती है बोलने में, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वीडियो लाऊँ और आपको फायदा मिले। धन्यवाद।